देखिए, अगर आपका बुलावा नहीं भी आ रहा है ना, तो आप माता रानी को सच्चे दिल से याद करिए। एक बार सच्चे दिल से माँ को पुकार कर तो देखिए, माता रानी से अरदास तो लगाइए। माता रानी आपको अपने दरबार जरूर बुलाएगी और आप सबको बहुत ही प्यारे दर्शन देंगी। जय माता दी। एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल ट्रेन राइडर। आज की इस नई प्यारी सी वीडियो में एक बार फिर से हम आपको घर बैठे माँ भगवती की यात्रा के नए दर्शन कराने के साथ साथ माता रानी की यात्रा से जुड़ी कुछ और नई जानकारियाँ साझा करने वाले हैं। तो अगर आप आगामी दिनों में माता रानी के दरबार जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जाने की डेट ज़रूर से मेंशन करिएगा। वीडियो के स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा। अगर आप हमारे व्हाट्सअप के ब्रॉडकास्ट से ज्वाइन होना चाहते हैं, डेली के दर्शन पाना चाहते हैं, साथ ही छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोज़ पाना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप पर ज्वाइन का मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन कर लेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले जो नज़ारा आप घर बैठे देख रहे हैं माता रानी के पवित्र कटरा शहर का नज़ारा है, जहाँ पर बस स्टैंड मौजूद है और यहीं पर है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहां से भक्तों को अब जाकर RFID कार्ड लेना पड़ रहा है। और यहां का वेदर सबसे पहले आप देखिए किस प्रकार से मौसम बदल चुका और यहां पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं आप सबको बता दूं कि माता रानी के दरबार में मौसम इसी तरह से बदलता रहता है। अभी आप कटरा के मेन चौक के दर्शन कर पा रहे होंगे घर बैठे और यहाँ से देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बारिश होने के बाद मौसम का असर देखने को मिल रहा है। किस तरह के यहाँ पर जो भक्त हैं वो दरबार की ओर जा रहे हैं, कुछ भक्त आ रहे हैं और होटलों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आप सब माता रानी के इस पवित्र त्रिकुटा पर्वत के दर्शन भी घर बैठे कर पा रहे होंगे। काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर अम्ब्रेला का सहारा ले रहे हैं, रेनकोट का सहारा ले रहे हैं। तो अगर आप आगामी दिनों में जाने वाले हैं तो रेनकोट और अम्ब्रेला रख लीजिएगा, हो सकता है यात्रा के दौरान आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। हम पहुंच चुके हैं माता रानी के पवित्र यात्रा गेट के पास, जहां से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। यहां का वेदर देखिए किस तरह से बदल गया है। जो वेदर आप देख रहे थे कल शाम का वेदर था, लेकिन ये जो वेदर आप देख रहे हैं ये आज सुबह का वेदर है, जिसमें कि भक्तों को किस प्रकार से माता रानी के दरबार जाने का मौका मिल रहा है। अभी आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं माता रानी के पवित्र यात्रा ट्रैक में, जो पहला मंदिर पड़ता है जिसे हम इच्छापूर्ण मंदिर कहते हैं। इसके दर्शन भी आप बाहर से कर पा रहे होंगे, साथ ही साथ बजरंग बली के दर्शन कर रहे हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस इतने लोग उजागर। सबसे पहले आप सब यहाँ से इस प्यारे से ब्यूटीफुल लोकेशंस को देखिए और घर बैठे महसूस करिए कि आप सब माता रानी के पवित्र यात्रा ट्रैक में मौजूद हैं। हम पहुंच चुके हैं हिमकोटी मार्ग के पास और यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से मौसम बदल चुका है। अभी नीचे का वेदर आपने देखा किस प्रकार से था और अभी यहाँ पर पूरी तरीके से धुंध छाया हुआ है। कुछ इसी तरह का मौसम परिवर्तन होता रहता है माता रानी की संपूर्ण यात्रा में। बात करें अगर कटरा की या फिर यात्रा ट्रैक की, भवन की, तो इस प्रकार से आपको मौसम में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आप सब देख रहे हैं यात्रा ट्रैक में भक्तों के लिए सारी सुविधाएँ मिल जा रही हैं, चाहे अगर बात करें पालकी की, घोड़ा की, पिट्ठू की, तो ये सारी सुविधाएं भक्तों को निरंतर तौर पर मिल रही हैं, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो जयकारों के साथ माँ भगवती के दरबार की ओर निरंतर तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट को ज़रूर से मेंशन करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो अपनी फीडबैक हम तक कमेंट के जरिए ज़रूर से साझा करिएगा। देख सकते हैं यात्रा ट्रैक में बारिश हुई है और इस प्रकार से मौसम परिवर्तन होता रहता है, बारिश होती रहती है, धुंध आ जाते हैं, धूप खिल जाते हैं, तो माता रानी का भवन पूरी तरीके से निराला ही है। आपका स्वागत है माता रानी के भवन में और हम पहुंच चुके हैं श्री राम मंदिर के पास, जहां से हम आपको घर बैठे दर्शन करा रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से बादल घिरे हुए हैं और बारिश के आसार पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आप सब में से कितने लोगों ने श्री राम मंदिर के दर्शन किए हैं कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैरव घाटी में। जी हाँ, आप सब घर बैठे भैरव घाटी से माता रानी के इस पवित्र पावन भवन के दर्शन कर रहे हैं और एक खूबसूरत सा व्यू यहाँ से आपको घर बैठे देखने को मिल रहा है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी लिखते रहिएगा। अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे हालात की।
इस समय माता रानी के दरबार में भक्तों की संख्या थोड़ी कम हो चुकी है। इस समय अगर संख्या की बात करें तो 20 से 25 हज़ार श्रद्धालु डेली जो है वो माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। वहीं बात करें माता रानी के पवित्र यात्रा में मौसम से जुड़ी जानकारियों की, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो एक गर्म कपड़ा रख लीजिएगा, एक रेनकोट रख लीजिएगा और एक अम्ब्रेला रख लीजिएगा, क्योंकि मौसम चंद मिनटों में बदल जाता है। आपने देखा पूरे वीडियो में किस प्रकार से मौसम बदला हुआ था, किस प्रकार से कटरा में मौसम था, भवन पे मौसम था, यात्रा ट्रैक में मौसम था, भैरव घाटी में मौसम था। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से जो भी प्रिकॉशंस के सामान लेकर जाएंगे उससे आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेंगे। सुविधाओं की बात करें तो माता रानी की अनुकम कृपा से रोपवे भी मिल रहा है, हेलीकॉप्टर भी सुविधा मिल जाती है और साथ ही साथ आपका जो है बैटरी कार भी मिल जाता है। तो आपको घबराना परेशान नहीं होना है, सारी सुविधाएं श्राइन बोर्ड द्वारा जो भी दी जाती हैं वो सब मिल रही हैं। घोड़ा पिट्ठू पालकी भी पूरी तरीके से मिल जाता है। वहीं बात करें माता रानी के पवित्र यात्रा में RFID कार्ड की, तो देखिए आपको RFID कार्ड लेकर यात्रा की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। जितने भी कटरा में यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहां से आपको RFID कार्ड मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आप माता रानी के दरबार जाने वाले हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप सब कब जा रहे हैं, कब माता रानी ने आपको बुलाया है। देखिए अगर आपका बुलावा नहीं भी आ रहा है ना, तो आप माता रानी को सच्चे दिल से याद करिए, एक बार सच्चे दिल से माँ को पुकार कर तो देखिए, माता रानी से अरदास तो लगाइए, माता रानी आपको अपने दरबार जरूर बुलाएगी और आप सबको बहुत ही प्यारे दर्शन देंगी। वहीं बात करें कोविड गाइडलाइन की, तो फिलहाल कोविड गाइडलाइन में कोई बड़ा चेंज नहीं आया है, जो गाइडलाइन पहले थी सेम वही गाइडलाइन है, किसी प्रकार से कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने साथ वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट लेकर आइए, अगर आपको वैक्सीन लग चुका है, अगर नहीं लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, माता रानी के दरबार जाइए और हाँ जाते जाते कॉमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय माता दी। सारी दुनिया पे मेरे कर दी आई सड़ी।